मूवी की स्टार्टिंग में जोना हेक्स नाम के आदमी को देखते हैं। जोना हेक्स और उसका गैंग पुलिस के आदमियों को मार रहा था। आगे हम देखते हैं कि जोना हेक्स ने अपने गैंग से गद्दारी कर अपने कई आदमियों को पुलिस से अरेस्ट करवा दिया था, क्योंकि उसे एहसास होता है कि बेवजह बेकसूर लोगों की जान लेना ठीक नहीं है। उसी रात उस गैंग का हेड, जिसका नाम टर्नबुल है, जोना हेक्स के घर हमला करता है। टर्नबुल के आदमी जोना हेक्स को रस्सियों से बांध देते हैं और टर्नबुल की बातों से हमें पता चलता है कि जोना ने उसके बेटे को भी मार दिया था, इसीलिए वह उसका बदला लेने आया था। टर्नबुल कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम अपने परिवार को मरते हुए देखो। इतना कहते ही टर्नबुल का खास आदमी बर्क जोना के घर में आग लगा देता है और आग में जोना का बेटा और पत्नी कुछ ही देर में मारे जाते हैं। इसके बाद टर्नबुल हाथ में गर्म लोहे की रोड पकड़कर कहता है कि यह निशान हमेशा मेरी दिलाएगा। यह कहते हुए वह जोना के गाल पर रोड रख देता है और निशान बना देता है। इसके बाद जोना कुछ दिनों तक वहीं बंधा रहता है, जिसके कारण कौओं ने उसकी बॉडी को खाना शुरू कर दिया। जोना लगभग मरने ही वाला था, लेकिन वहां के आदिवासियों ने प्राचीन वेदों के इलाज से उसकी जान बचा ली थी। लेकिन इसके बाद से ही जोना और कौओं के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बन गया था। होश में आने के बाद जोना ने टर्नबुल की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कुछ दिनों बाद जोना को पता चला कि टर्नबुल एक होटल में आग लगने के कारण ही मारा गया। अब जोना के पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी, लेकिन उसके अंदर अभी भी बदले की भावना थी, इसीलिए उसने इनामी अपराधियों को पकड़ने का काम शुरू कर दिया। ऐसे ही जोना किसी के कहने पर अपराधियों को पकड़ कर लाता है तो उससे सौदा करने वाले लोग इनाम की राशि देने से मना कर देते हैं, लेकिन पैसे ना मिलने के कारण जोना उन सब लोगों को मार देता है और सामने मरे आदमी के जेब से पैसे निकाल कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम पुलिस से भरी ट्रेन को देखते हैं। इसमें हथियार बनाने का सामान ले जा रहे होते हैं। यहाँ हम फिर से बर्क को देखते हैं। बर्क के कुछ आदमी पुलिस के वेश में ट्रेन में ही होते हैं। बर्क के आदमी ट्रेन के इंजन और हथियार रखे डब्बे को ट्रेन से अलग कर देते हैं और बर्क पूरी ट्रेन को बम से उड़ा देता है। उसके बाद उस सामान को लेकर निकल जाते हैं। जब यह बात वहाँ के प्रेसिडेंट को पता चलती है तो पुलिस की छानबीन से उन्हें पता लगता है कि इस लूट के पीछे टर्नबुल का हाथ है। उसने अपनी झूठी मौत का नाटक किया था ताकि वह अपने दुश्मनों से बच सके। आगे उन्हें पता चलता है कि टर्नबुल कोई हथियार बना रहा है और प्रेसिडेंट जोना हेक्स को ढूंढने को बोलता है, क्योंकि जोना ने पहले भी पुलिस की मदद की थी और अपना बदला पूरा करने के लिए टर्नबुल को वह कैसे भी ढूंढ लेगा। अगले सीन में जोना हेक्स को एक बार में शराब पीते देखते हैं। इसके बाद हम उसे एक लड़की के पास जाते देखते हैं। यह लड़की लाइला है। लाइला एक वेश्या है, लेकिन वह जोना को काफी पसंद करती है और हमेशा उससे शादी करने की बातें करती रहती है। कुछ ही देर बाद वह दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह लाइला जोना को समझाती है कि तुम्हें यह सब छोड़कर मेरे साथ कहीं दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि उसे फिक्र थी कि जोना किसी गोली का शिकार ना हो जाए। फिर जोना कहता है कि जो भी मेरे साथ रहता है वह मारा जाता है, हमारा कोई भविष्य नहीं है। तभी दरवाजे पर पुलिस आती है। एक आदमी उसे बताता है कि प्रेसिडेंट ने तुम्हें याद किया है, देश को तुम्हारी जरूरत है। इस पर जोना कहता है कि यह मेरा देश नहीं है और उनके साथ जाने से मना कर देता है। लेकिन एक पुलिस वाला टर्नबुल के जिंदा होने की खबर देता है तो जोना उनके साथ चला जाता है। आगे जोना की मुलाकात प्रेसिडेंट से होती है। प्रेसिडेंट जोना को एक अपराधी की लाश दिखाते हुए कहता है कि टर्नबुल के आदमियों ने हमारी ट्रेन पर हमला किया था, फिर भी हम इस आदमी को पकड़ने में कामयाब रहे और इससे हमें काफी जानकारी मिली, लेकिन इसकी पूछताछ के दौरान ही मौत हो गई। इसके बाद जोना लाश के पास जाकर उसे छूता है तो वह आदमी जिंदा हो जाता है। यहाँ हमें समझ आता है कि जोना मौत के मुंह से वापस लौटा है। तभी से उसके पास यह शक्ति आ गई थी कि वह कुछ देर तक मरे हुए लोगों से बातें कर सकता था, लेकिन ज्यादा देर तक किसी लाश को जिंदा रखता था तो वह लाश चलने लगती थी। मरे हुए आदमी की बातों से जोना को पता चलता है कि स्लोगम नाम के आदमी के कहने पर ट्रेन पर हमला किया था। अगले सीन में टर्नबुल के आदमी एक और जगह टाका डालते हैं। टर्नबुल के आदमी यहाँ से ऑरेंज कलर के बॉल्स लेने में कामयाब हो जाते हैं। उनकी बातों से हमें समझ आता है कि एक भी बॉल धरती पर गिरी तो यहाँ काफी बड़ा धमाका हो सकता है। दूसरी ओर जोना स्लोगम के ठिकाने की ओर बढ़ता है। स्लोगम एक फाइट क्लब का मालिक है। जोना के
पूछताछ करने पर स्लोगम उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन उसकी बातों से जोना को पता चल जाता है कि टर्नबुल यूएस पर कोई बड़ा हमला करने की सोच रहा है और उसके इस प्लान में स्लोगम उसका साथ दे रहा है। स्लोगम के आदमी जोना को घेर लेते हैं और स्लोगम जोना से कहता है कि तुम अपने मुर्दा दोस्त जेफ से क्यों नहीं पूछ लेते। यह बात सुनकर जोना हंसते हुए कहता है यह बहुत बढ़िया सुझाव है और उसके आदमियों को मार कर वहां से निकल जाता है। इसके बाद जोना एक कुत्ते को आजाद कर कब्रिस्तान की तरफ पड़ता है। कब्रिस्तान में पहुंचकर जोना टर्नबुल के बेटे जेफ की कब्र को खोदने लगता है। कब्र खोदने के बाद जोना जैसे ही जेफ की लाश को छूता है तभी जेफ जिंदा होकर जोना पर हमला करता है क्योंकि जोना ने ही उसे मारा था। लेकिन किसी तरह से जोना उसे समझाता है कि मैं मजबूर था, मैं नहीं चाहता था कि हम हॉस्पिटल में आग लगाकर बेकसूर लोगों को जान से मारे क्योंकि तुमने मुझे रोकने की कोशिश करी थी, इसीलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ा। इतना समय बीतने के बाद अब जेफ को भी एहसास हो चुका था कि टर्नबुल जो कुछ भी कर रहा है सब गलत है क्योंकि मरने के बाद से ही वह अपने पिता और जोना की जिंदगी को काफी अच्छे से देख रहा था। जेफ जोना को बताता है कि टर्नबुल इस वक्त और रिजर्वेशन में छिपा बैठा है। अगले सीन में जोना एक हथियारों के दुकान में हथियार लेने आता है और वहां से एक बेहतरीन हथियार लेकर टर्नबुल के ठिकाने की ओर निकल जाता है। अगले सीन में जोना बिल्डिंग पर पहरा दे रहे गार्ड्स को मारकर अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जोना को पता चलता है कि टर्नबुल किसी तरह का खतरनाक हथियार बना रहा है। आगे चलने पर जोना को टर्नबुल भी दिख जाता है लेकिन टर्नबुल के आदमी जोना पर हमला कर देते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर टर्नबुल वहां से निकल जाता है। जोना जो हथियार लाता है वह बहुत एडवांस होते हैं जिसके कारण वह कई आदमियों को मार डालता है। उन आदमियों को खत्म करने के बाद जोना फिर से टर्नबुल पर गोली चलाने वाला ही होता है कि बर्क आकर जोना को गोली मार देता है जिसके कारण जोना घायल हो जाता है। जोना लड़ने की हालत में नहीं था इसीलिए वह छुपकर अपने घोड़े के पास पहुंचता है और उस जगह से निकल आता है। कुछ देर बाद सुबह हो गई लेकिन अभी भी जोना बेसुध होकर घोड़े पर जा रहा था। वह बेहोश होकर जंगल में गिर जाता है। दूसरी तरफ हम टर्नबुल को एक जगह बैठा देखते हैं। वह उसी जगह से एक गांव पर हमला करवाता है। वह एक तोप की मदद से कई ब्लैक बॉल्स फेंकवाता है और आखिर में एक ऑरेंज बॉल को तोप से वहीं फेंकवाता है। ऑरेंज बॉल के संपर्क में आने से सभी ब्लैक बॉल्स में धमाका होने के कारण पूरा गांव तबाह हो जाता है। अगले सीन में बर्क लाइला के पास आता है। बर्क यहाँ एंजॉय करने के लिए आया है लेकिन लाइला उसे वहां से जाने को कहती है। वह कहती है कि आज का टाइम खत्म हो गया है, तुम कल आ सकते हो। इसीलिए वह लाइला को जबरदस्ती वहां से उठाकर ले जाता है। इधर जोना का कुत्ता कुछ आदिवासियों को जोना के पास लाता है और एक बार फिर वह जोना का इलाज कर जोना की जान बचा लेते हैं। तभी उसी दौरान जोना को अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए कुछ पल याद आते हैं। उसे याद आता है कि टर्नबुल ने कैसे उसके परिवार को मार डाला था और उसे होश आ जाता है। होश आने के बाद प्रेसिडेंट को संदेश भेजने के लिए एक शॉप पर जाता है। संदेश में टर्नबुल के ठिकाने का पता देते हुए कहता है कि टर्नबुल ने देश को तबाह करने के लिए एक हथियार बनाया है, तुम जितने लोगों को भेज सकते हो भेजो, मैं वहां जा रहा हूं। इसके बाद जोना अपने कुत्ते और घोड़े के साथ तेजी से टर्नबुल की ओर बढ़ता है। टर्नबुल के ठिकाने पर पहुंचने के बाद जोना को पता चलता है कि टर्नबुल एक बड़ी शिप में बैठकर यूएस पर हमला करने वाला है, इसलिए वह भी शिप में घुस जाता है। यहाँ पर फिर से जोना का सामना बर्क के साथ होता है। दोनों में हाथापाई हो जाती है लेकिन जोना उसे जान से मार देता है। इसके बाद जोना टर्नबुल पर निशाना लगाता है लेकिन टर्नबुल लाइला को बाहर निकालता है। एक्चुअली टर्नबुल ने ही लाइला को किडनैप करवाया था क्योंकि वह जोना को रोकने के लिए उसका इस्तेमाल कर सके। जोना अपनी गन गिरा देता है लेकिन अभी भी टर्नबुल उसे इसीलिए नहीं मारता क्योंकि जोना अपने परिवार की तरह यूएस के लोगों को भी मरता देखे। इसके बाद टर्नबुल शिप को लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूएस के 100 वर्ष पूरे होने की खुशी में प्रेसिडेंट भाषण दे रहा है। यहाँ हजारों की भीड़ में लोग थे। यहाँ हमें पता चलता है कि टर्नबुल यही हमला करने वाला है। अगले सीन में हम जोना और लाइला को शिप के एक कमरे में बंधा देखते हैं। यहाँ जोना लाइला को कहता है कि तुम्हें दरवाजे पर खड़े गार्ड को अपने हुस्न के जाल में फंसाना होगा ताकि किसी तरह से हम यहाँ से निकल सके, लेकिन लाइला अपने पिन से अपनी हथकड़ी खोल देती है। इसके बाद शिप पर मौजूद आदमियों को वह दोनों मारने लगते हैं और इसी वक्त यूएस आर्मी का जहाज भी यहाँ पहुंच जाता है लेकिन टर्नबुल के आदमी एक ही ऑरेंज बॉल से उस पूरी शिप को तबाह कर देते हैं और टर्नबुल के कहने पर
टाउन की ओर ब्लैक बॉल से हमला करते हैं। वह बॉल उसी जगह गिरती है जहां प्रेसिडेंट भाषण दे रहा है। इससे पहले कि वह ऑरेंज बॉल को तोप में डालता, उससे पहले ही लाइला उस आदमी पर हमला कर देती है और इधर जोना टर्नबुल पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि वो आदमी लाइला से ताकतवर था, इसीलिए लाइला को वह जमीन पर गिरा देता है। ऐसे ही टर्नबुल भी जोना पर भारी पड़ रहा था, लेकिन जोना एक कुल्हाड़ी से टर्नबुल पर वार करता है और वह टर्नबुल को मार डालता है। इसके बाद जोना उसे कुल्हाड़ी की मदद से तोप में बॉल्स ले जाने वाली मशीन को ही जाम कर देता है ताकि ऊपर खड़ा आदमी हमला न कर सके। जोना तुरंत ऊपर पहुंचकर लाइला को उस आदमी से बचाकर समुद्र में कूद जाते हैं और उस ऑरेंज कलर के बॉल गिरने के कारण पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है। यह धमाका देखकर यूएस के लोग खुश हो जाते हैं। मूवी के एंड में यूएस के प्रेसिडेंट जोना को मिलिट्री में एक बड़ी पोस्ट पर शामिल होने का ऑफर देते हैं, लेकिन जोना यह कहकर वहां से निकल जाता है कि अगर आप किसी मुसीबत में हो तो आपको पता है कि मुझे कहां ढूंढना है। इसके बाद जोना को लाइला के साथ जाता देखते हैं और मूवी इसी सीन के साथ समाप्त हो जाती है।